Welcome to Time News Studios. You are watching 3 p.m. Bulletin. सुप्रीम कोर्ट नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के 14 अप्रैल वारे फैसलन ते बेएतमादी जाहिर कंदे वफाक ए सूबन के इख्तियारन ते जवाब तलब करे वरतो। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद रिमार्क्स डींदे चयो आहे ते जेकने ज़कात ए सदके जा पैसा भी खाई वेंदा तो पोए बाकी छा बचंदो। बुधणी दौरान जस्टिस सजाद अली शाह रिमार्क्स में चयो त ज़कात के पैसन से जहाज टिकट खरीद कई वेंदी आहे। सिंध में कोरोना वायरस जा 417 नवा केस जाहिर। सूबे में वायरस सेटलन जो अंग वधी 7882 थी वयो। कोरोना जी वबा 24 कलाकन में वधीक 7 हयातियों गिड़काए वही। फौतिन जो अंग वधी 137 थी वयो। वडे वजीर मुराद अली शाह जो चवणा है त कराची में वधीक 357 शहरी वायरस जो शिकार थिया। सखर में 20, घोटकी में 8, हैदराबाद में 4, जैकबाद में 3, सांघड़ ए सिजावल में कोरोना जो 1 नओ केस जाहिर थियो। वज़ीर आज़म इमरान खान चयो आहे त ही महीनो कोरोना के हवाले से इंतहाई अहम है। कोरोना के अंग अखरन की सूरत हाल सागी रही तो वायरस कंट्रोल थी वेंदो। सिंध हुकूमत टाइगर फोर्स के हवाले से सहकार न पई करे। हलंदड़ हफ्ते के आखिर में हू कराची के दौरे दौरान इन मामले ते फैसलो कंदो। पीटीआई के पार्लियामानी पार्टी के इजलास के खिताब कंदे वज़ीर आज़म तरफा टाइगर फोर्स के अज का ऑपरेशनल करण जो ऐलान। सिंध हुकूमत एक दरख्वास्त ते पॉलिसी जोड़ बिना ही दुकान ए फैक्ट्रीज खोलने की इजाजत दई छड़े थी। सुप्रीम कोर्ट कोरोना की हालतुन ते रिमार्क्स डींदे चयो आहे त कें भी शय में शफाफियत नाहे। कोरोना ते थियल खर्च की ऑडिट थी त असल गाल सामू अची वेंदी। कोरोना के मुंह ॾियण लाइ अणपूरन इंतजाम खिलाफ पाण मुरादे नोटिस से बुधणी दौरान चीफ जस्टिस चयो त वफाक ए सूबाई हुकूमतुन की रिपोर्ट्स में कुछ भी नाहे। लगे तो सजो कम रुगो कागजन ते ही थी रो है। जस्टिस सजाद अली शाह रिमार्क्स में चयो त छा मस्जिदन मां वायरस न पखिड़बो। समाजी विथी रखनी आहे त पोए हर हंध रखन घुर्जे। बाजारन में मानुन के डंडन सा मारियो पियो वञे। सूबा वफाक जे रेवेन्यू जा लंघ किए बंद कर सघन था। सुप्रीम कोर्ट कोरोना के मुंह ॾियण लाइ सूबन जे कदमन लाइ वफाक जी तस्दीक लाजमी करार ॾींदे चयो आहे त वापारी सरगर्मियुन ते टैक्स वफाक उगाड़ींदो आहे। सूबा उन ते पाबंदी कीअं लॻाए सघनि था। पाण मुरादे नोटिस से ॿुधणीअ दौरान रिमार्क्स ॾींदे चीफ जस्टिस चयो त मर्कज़ के टैक्स ॾींदड़ कारोबारी मर्कज़ बंदि करण जो सूबन खे इख़्तियार नाहे। अदालत वफाक ऐं सूबाई हुकूमतुनि खे हिकु जहिड़ी पॉलिसी जोड़ण लाइ हफ़्ते जी मोहलत ॾेई छॾी। सूबाई हुकूमत जो वजीर चवे तो वफाक खिलाफ़ केस दाखिल कराइंदुस। लगे तो सूबाई वजीर जो दिमाग आउट थी वो है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कोरोना के हवाले से बुधणी दौरान रिमार्क्स दींदे खबर ना है दिमाग ते कड़ी शय चढ़ी वही है। खबर अथन तो सूबाई वजीर चई रो है। सिंध के मुख्तलिफ़ शहर में नादरा ऑफिसिस खुलंदे ही अवाम की रश। कराची, हैदराबाद, सखर, मीरपुर खास, कंदकोट, लाड़काणो ए बिन शहर में नादरा ऑफिसिस बाहरा बड़े अंग में पौतल मानुन जा मेड़। इंतजामिया समाजी विथी कराने में नाकाम। मेहड़, कुंदरी, पनवाकिल ए बिन शहर में कौमी बैंक्स बाहरा पेंशन ए पघार वठण लाइ पौतल मुलाजमन भी समाजी विथी वाले उसूल ते अमल न कयो। पुलिस ए इंतजामिया भी खामोश तमाशाई बढ़े। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ आमदनी का वधिक असासन ए मनी लॉन्ड्रिंग केस में नैब के मुतमईन न कर सको। नैब शहबाज शरीफ के बीहर 2 जून से तलब कर वरतो। नैब इख्तियारन जो चवण है शहबाज शरीफ का 2 कलाकन तई पुछा गाछा कई वही पर हु जांच टीम ही मुतमईन न कर सको है। शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग बाबत सवालन जा जवाब न दई सको जै सबब खेस बीहर तलब कर।
सिंध में गर्मी की लहर बढ़ने लगी। कराची, लाड़काणो, बदीन, जैकबाद, मिट्टी ए दादू में गर्मी पद 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। हैदराबाद में पारो 36 तई चढ़ी वो। मीरपुर खास ए नवाबशाह में 35, ठठे ए बदीन में गर्मी पद 33 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। डायरेक्टर मौसमियात सरदार सरफराज जो चवण है सिंध में अज पारो 40 का भी मथे चढ़ी वो। 6-7 मई से गर्मी पद 42 सेंटीग्रेड तई वी सके तो। शहर के घर में रहने की अपील। जैकबाद में कोरोना वायरस का टे नवा केस जाहिर। अंगुछाहट थी वो। अगूणे DHO जैकबाद के पुट की रिपोर्ट भी पॉजिटिव अची वही। अगूणे MNA बाबुल जखरानी जो जाती मुलाजिम भी कोरोना मुतासर में शामिल। नौशर फिरोज करंतीना सेंटर में मौजूद 4 मरीज नवाबशाह मुंतकिल। चैनी मरीजन जो 4 भेरा टेस्टू कराई व्यू जैसे नेगेटिव आयु। डहरकी में कोरोना सबब फौत थियल इंस्पेक्टर के तले से वयल मुलाजमन जहा सैंपल्स वरता व्या। टंडवा लायार में सील थियल निजी अस्पताल के 14 मान की टेस्ट नेगेटिव अचण बाद बीहर खोलो। हैदराबाद के सिविल जज एंड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के कोरोना टेस्ट पॉजिटिव अचण बाद अदालत सील। इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के हुक्म बाद सिविल जज जुडिशियल मैजिस्ट्रेट 11 की अदालत भी सील कई वही। लेबर कोर्ट ए करप्शन के खात्मे वाली अदालत ना वेंदर रस्ता भी बंद। सेहत खाते की टीम के घुरायो है। टीम पहुंची अदालत जो जायजो वठंदी। जज सा गड कम कंदड़ समूरन मुलाजमन की भी कोरोना टेस्ट कराई वेंदी। सिंध काबीना में मंजूर थियल कोविड ऑर्डिनेंस जहा तफसील सुभाने तलब। सिंध हाई कोर्ट जो चवण है तो बुधायो वे तो खुसूसी ऑर्डिनेंस जो थो जै ऑर्डिनेंस जो गालू थी रही हैं उनकी कानूनी हैसियत कड़ी है। बुधड़ी दौरान सरकारी वकील अदालत के आगाही दिनी तो ऑर्डिनेंस मंजूरी के लिए गवर्नर सिंध के उमाणो वो है पर गवर्नर अना तई जवाब ना दिनों। एकवीह रमजान योम अली के जुलूसन से पाबंदी बाबत घरू खाते जो नोटिफिकेशन। सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज दरख्वास्त बुधनी लाए मंजूर। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में बेंच सुभाने बुधनी कंदी। दरख्वास्त में मौकिफ इख्तियार किया वो है तो घरू खाते 27 अप्रैल से नोटिफिकेशन जरिए योम अली के जुलूसन से पाबंदी लगाई। इबादत गाहन जिया जुलूसन की SOPs तहत इजाजत दिनी वही। खानपुर में नारी ए नौजवान जा लाश हथ अचण वाले मामले में फौत थियल नारी जो पुलिस के अगवाट डिनल बयान वाली वीडियो मंजरेआम से अची वही। वीडियो में नारी जो चवण है तो हनीफ विजाराणी घर में दाखिल थी खेस जहर पियारो ए पान के गोली हई। घोटकी जी सिंधी प्राइमरी स्कूल पाड़े में नारी ए नौजवान जा लाश मिला हुआ। कोटड़ी में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रकम वठंदड़ तालीम खाते के अमलदारन के FIA पारा नोटिस। ऑफिसर्स ए उस्तादन ते कुटुब सूदो वेझो माइटन लाए वजीफो वठण जा इल्ज़ाम। तालीम खाते के 160 ऑफिसरन ए उस्तादन ते लखे रुपया रकम वठण जो इल्ज़ाम है। बदीन में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम वठंदड़ सरकारी मुलाजिमन के FIA आडो पेश थियणो है। सरकारी मुलाजिमन के FIA हैदराबाद पारा 2 मई से नोटिस उमाणा व्या हुआ। सरकारी मुलाजमन 18 लख BISP की रकम वरती हुई। सरकारी मुलाजमन जो वास्तो बदीन मातली ए लोहारी शरीफ से है। सेठार जा वेझो नौजवान मुबैना तौर पान से पिस्टल जा फायर करे आपघात करे छो। गोट फकीर चनेसर शंबाणी में ओशाक शंबाणी घरू अणवर्तता जिंदगी जो डीओ उझाए छो। ठरी मीरवा वेझो बोजदार वडा में नौजवान सिद्दीक दसकानी जहरीली दवा पी पांजी जिंदगी जो अंत आणे छो। पुलिस मौजिब नौजवान घरवारन सा कावड़ जी अड़ो कदम खयो। नसीराबाद भरसा 5 ढी अग मुबैना अगवा थियल अली हैदर विरोही बाजियाब थी घर पहुंची वो। नौजवान के वारसन पारा पा किताब खड़ी घुमाया वो हो। जरवार वासी नौजवान शाह मोहम्मद हैदरानी भी घर पहुंची वो। नौजवान 6 ढी अग माल चारण वो हो पुरस्कार तौर गुम थी वो हो। कंबर वेझो आइस फैक्ट्री में गैस जो पाइप फाटण के नतीजे में धमाको 4 मजदूर जख्मी थी पया। धमाके में बदरुद्दीन मेमण ए अख्तर मस्तोई समेत 4 जणा जख्मी जिनके शुरुआती तौर से कंबर की अस्पताल मुंतकिल किया वो। सहूलतू न होने सबब चैनी जख्मी के लाड़काने मुंतकिल किया वो।
मलीर जिले के लांडी इंडस्ट्रियल एरिया में कायम गनी ग्लास टू कंपनी इंतजामिया पारा 250 मुलाजिम बरतरफ कर छिया। मुतासर पोरियतन जो चवण है तो कंपनी इंतजामिया घुराए जबरदस्ती इस्तीफा से सही वरतियों। बरतरफ कल मुलाजिम कंपनी में 8 खां 10 साल तई कम कंदा रहा है। क्वालिटी कंट्रोल आईएस मशीन लेबॉरटरी पैच प्लांट तोरियत बरतरफ क्या व्या। एडमिन मैनेजर मुबारक शाह जो चवण है तो सिंध हुकूमत के पोरियतन की बरतरफी वे फैसले बाबत जान दिनी वही है। थरी मीरवा में शिकारिन नायाब नसल के पखियन लाए धरती तंग कर छड़ी। पखियन के मारण बाद शिकारिन फोटोज कढ़ी सोशल मीडिया से शेयर कया। जंगली जीवत खाते को भी बूटो न बार। जमाल शाह जत्ती खत शरीफ ए बेन ढंडुन ते शिकारिन बंदूकों खड़ी नायाब नसल जा पखी मारण लगा। शिकारिन में केतरा ही पुलिस अहलकार भी शामिल। फ्रांस में साल 2019 का कोरोना वायरस की मौजूदगी जो इंकशाफ। पेरिस के अस्पताल के डॉक्टर्स मकामी खबरू इदारन के बुधायो तो वायरस 27 दिसंबर 2019 में मौजूद हो। या गाल मुल्क अंदर पेरियों भेरों कें शहरी में कोरोना की तस्दीक का अगुजी है। जडे संदन टीम अड़न 24 मरीजन जो इलाज कयो जिनमें खंग जुकाम से गड कोरोना जो अलामतू भी हुई। अस्सलाम वालेकुम टाइम न्यूज़ सगद माहिया हमीर शेख हेडलाइंस हमारे थियो तफसीली खबरों इन ब्रेक खां।